आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर देहात में चलाई जा रही सिटी बसों में परिचालक पैसे लेने के बाद भी यात्रियों को टिकट नहीं दे रहे हैं। टिकट मांगने पर यात्रियों का परिचालकों से आए दिन झगड़ा होता रहता है। सेंट जॉन्स की छात्रा इस संबंध में थाने पर भी शिकायत कर चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर देहात में चलाई जा रही सिटी बसों के परिचालकों की खुली गुंडई चल रही है। परिचालक पैसे लेने के बाद भी यात्रियों को टिकट नहीं दे रहे, इसको लेकर यात्री और परिचालक के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। इसमें आम जनता के साथ स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। ज्यादातर अधिकांश लोगों से पैसे तो ले लेते हैं पर टिकट नहीं देते, और कभी कोई मांगता भी है तो झगड़ा भी हो जाता है कभी कभार, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, रोज हर सिटी बस में यही होता है कि मैंने देखा है 3 साल में कि पैसे ले लेते टिकट नहीं देते, और ज़्यादातर उसमें अगर 60 से 70 लोग बैठे होते हैं ना, तो उसमें से ज़्यादा वो 10 को टिकट देते होंगे, वरना 10 को भी नहीं देते। सेंट जॉन्स कॉलेज की छात्रा खुशबू शर्मा का कहना है कि वह सिकंदरा से कॉलेज जाती हैं, भगवान टॉकीज से सेंट जॉन्स कॉलेज तक सिटी बस में सफर करती हैं। बस का परिचालक यात्रियों से पैसे ले लेता है लेकिन टिकट नहीं देता, इस बात को लेकर परिचालकों से आए दिन झगड़ा होता रहता है। इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मैंने वो 112 नंबर पे पहले कॉल किया था तो पुलिस वाले आए थे, बट मेरे से मिले ही नहीं, यहीं तक ही भगवान टॉकीज तक आए थे, वो चले गए। उस टाइम मैं कॉलेज में थी, और अगले ही दिन मेरा वो झगड़ा हो गया था उससे। एक बार कंडक्टर से वो मेरे से बोल रहा था कि तुमको जो करना कर लो, मैं नहीं दे रहा टिकट, तो मैंने फिर यहाँ शिकायत कराई भगवान टॉकीज के थाने में। छात्रा का कहना है कि टिकट मांगने पर उसका भी आए दिन परिचालकों से विवाद होता रहता है। कुछ दिन पूर्व विवाद बढ़ने पर छात्रा को 112 डायल करना पड़ गया। पुलिस कर्मियों के कहने पर छात्रा न्यू आगरा थाने शिकायत करने पहुंची, लेकिन थाने से यह कहकर टरका दिया गया कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सिटी बसों की चेकिंग के लिए MG रोड के साथ देहात में चेकिंग दस्ते लगाए गए हैं, फिर भी परिचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। परिचालक इस तरह की हरकत कर विभाग को चूना लगा रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।